बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद समन बिलाल में आप सब बहन भाइयों को वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दिली दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हर उस चीज़ से नवाजे जिसमें खैर व बरकत और सुकून हो, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब चिकन जलफ्रेजी, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है और इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में इनको काट लिया है। आप चाहें तो इसको लंबाई की शक्ल में भी काट सकते हैं। दो अदद मैंने अंडे लिए हैं और इन अंडों में मैंने एक चुटकी नमक, एक चुटकी काली मिर्च और एक चुटकी ही जर्दा कलर शामिल किया है और इनको फेंट लिया है। एक बड़े साइज की शिमला मिर्च लेकर उसको भी इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। एक बड़े साइज का टमाटर लेकर उसको भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है और मैंने टमाटर के बीज निकाल दिए हैं। इसी तरह मैंने एक बड़े साइज का प्याज लेकर उसको भी इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको कुकिंग के दौरान बताऊंगी, तो चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन जलफ्रेजी। फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और फ्राई पैन में मैंने एक खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। सबसे पहले हम अंडे का ऑमलेट बनाएंगे। अच्छी तरह से अंडे को फेंट कर हम फ्राई पैन में डाल देंगे। इस तरह से अंडे को फैला लें। अंडे में मैंने एक चुटकी नमक डाला है, एक चुटकी काली मिर्च और एक चुटकी ही जर्दा रंग। जब ये एक तरफ से पक जाएगा फिर हम इसे पलटेंगे। अंडे को मैंने पलट दिया है। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसे हम एक साइड पे कर देंगे। अब मैंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी है, आप कोई सा भी बर्तन ले लीजिए। मैं आधी प्याली ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें एक खाने का चम्मच चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डाल दूंगी। अदरक लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें बोनलेस चिकन डाल दूंगी। चिकन डालने के बाद हम चिकन को 6 से 7 मिनट फ्राई करेंगे। मिलते हैं 6 से 7 मिनट के बाद। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें दो दरमियाने साइज की हरी मिर्च काट कर वो डाल दूंगी। नमक हस्बे जायका, आधा चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च, आधा चाय का चम्मच सुर्ख कुटी हुई मिर्च, तीन खाने के चम्मच दही, बाकी के स्पाइसेस
हम बाद में डालेंगे। अब थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि दही और चिकन भी पानी छोड़ेगा। अब हम 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को ढक देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। अब मैं इसमें डालूंगी आधी प्याली टमाटो केचप, आप टमाटो केचप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। यहाँ पर आपने फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है। अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे जो मैंने आपको बताई थी, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। वेजिटेबल को हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। ये आपने स्लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करनी वरना हमारी वेजिटेबल्स मुरझा जाएंगी और वो देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। व्यूवर्स, आप चिकन जलफ्रेजी लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए, मेहमानों के लिए बनाइए या ख़ुद के लिए। इसे बनाकर और खाकर आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पर आप नमक, मिर्च, स्पाइसेस चेक करना चाहें तो कर लीजिए, मज़ीद डालना चाहें तो डाल लीजिए। अब मैं इसमें आमलेट शामिल कर दूंगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। आमलेट को भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। एक से डेढ़ मिनट हम मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लीजिए व्यूवर्स, हमारी बहुत ही टेस्टी चिकन जलफ्रेजी तैयार हो चुकी है। फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत लाजवाब, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन जलफ्रेजी तैयार हो चुकी है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। कुछ लोग चिकन जलफ्रेजी में शुगर भी डालते हैं, मैंने नहीं डाली क्योंकि टमाटो केचप में ऑलरेडी थोड़ी सी स्वीटनेस होती है। आप डालना चाहें तो केचप के साथ डाल लीजिए। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जल्द ही एक बहुत ही अच्छी और लाजवाब रेसिपी के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।